फ्रेंड्स, अभी हम इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट के काउंटर एरिया पर आपको लेकर आ गए हैं। यहाँ पे काउंटर एरिया है, रिसेप्शन एरिया। इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट की खासियत है कि ये अपने जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनके साथ एसोसिएटेड है, जैसे स्विगी है, जोमैटो है। अप टू 10 किलोमीटर के एरिया में ये होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है। टेक अवे की फैसिलिटी है, डाइनिंग की फैसिलिटीज तो आप देख ही रहे हैं, हमने आपको इंटायर वीडियो में इसको दिखाया है। यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर का हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, ये बिलिंग एरिया है। यहाँ पर बिल आप करा सकते हैं, बिल आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें डिजिटल वॉलेट फैसिलिटीज भी यहाँ पर है, यहाँ पे QR कोड फैसिलिटीज है, आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट, हर तरीके की पेमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो कि बिल बनाते हैं यहाँ पे, सर आपका नाम क्या? लक्ष्मी नारायण जी। यहाँ पे काउंटर एरिया देखते हैं जहाँ पे ये बिलिंग करते हैं। तो आप ये रेस्टोरेंट का पूरा व्यू देख रहे हैं। टेबल फैसिलिटी, सीटिंग फैसिलिटी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेबल अरेंजमेंट है, अरेंज किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये LED लगी हुई है, LED से आप पूरा एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। ये ओपन डाइनिंग है, टेबलिंग की एंटायर फैसिलिटी आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं व्यू, आप देख रहे हैं AC यहाँ पे है, रूफ सीलिंग लाइट्स यहाँ पे लगी हुई है, फैंस की फैसिलिटी है, हर तरीके की बेहतरीन फैसिलिटी, जो कि शायद ही बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स या ईटिंग आउट प्लेसेस पे मिलती है। अगर आप भीड़ में क्राउड के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, प्राइवेसी के साथ आप बैठना चाहते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेस, जैसे कि हमने आपको बताया, प्राइवेसी के साथ बैठना चाहते हैं, क्राउड से अलग हटके बैठना चाहते हैं, 15 से 20 लोगों के साथ यहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हैं। AC की फैसिलिटी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सीलिंग फैन के साथ यहाँ पे रूफ लाइट्स लगी हुई है, सीलिंग लाइट्स लगी हुई है। बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पे अरेंज किया गया है हर चीज को लेकर। फ्रेंड्स, अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे पार्टी हो रहा है। वहाँ पे आप किसी भी तरीके का फंक्शन या पार्टी अरेंज कर सकते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया, इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट के नीचे का एरिया जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, ये पार्टी हॉल जो कि फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट, ये मोदी नगर सिखेड़ा रोड पे सिचुएटेड, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इसको अगर हम चाहें तो इसको 4-स्टार रेटिंग दे सकते हैं। ये पार्टी एरिया है, जहां पर ये डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया, ये कंप्लीट हॉल है, सामने स्टेज है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, सीटिंग अरेंजमेंट वेरी कर सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो परमिशन है उसके अकॉर्डिंग ये सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है अभी के लेवल के हिसाब से।
यहाँ पर म्यूजिक के लिए डीजे, एंटायर ये जो हॉल है ये पार्टी हॉल, कंप्लीट एसी है, ये डीजे एरिया, एसी की फैसिलिटीज भी आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर लाइटिंग, ये स्टेज है NH34। मोदी स्टील की मैं बात करता हूं तो मोदी स्टील यहां से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है। सेफ्टी का, कंफर्ट का, किसी भी तरीके का, किसी को भी डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील ना हो। लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट है, फैंस का अरेंजमेंट है, आप ये देख रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरास देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए सीसीटीवी लैंस, सिक्योरिटी की फुल फैसिलिटी यहाँ पे है, फैंस चारों तरफ एसी लगे हैं, पूरा एंटायर हॉल अपने आप में बहुत बड़ा है, काफी लोग यहाँ पे एक साथ गैदरिंग कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली गैदरिंग कर सकते हैं। इधर जो हमने दिखाया डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया बढ़ाया जा सकता है, इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बढ़ाया जा सकता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉल लगा हुआ है डाइनिंग के लिए, ये एज पर रिक्वायरमेंट इसको बढ़ाया जा सकता है, तो आपको ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कम ही लोग यहाँ पर डाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट इसको बढ़ाया जा सकता है। चिलीज रेस्टोरेंट के अंदर बने हुए हैं, यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप अपने आप को यू कैन मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन दिस रूम, यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम भी है, बैठने का बेहतरीन अरेंजमेंट है, एसी रूम है, लेकर आ गए हैं इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट के, बहुत ही बड़ा टेरेस एरिया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डाइनिंग एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ पे ओपन डाइनिंग हो सकती है, यहाँ पे कवर्ड डाइनिंग भी है, सामने आप देख रहे हैं कवर्ड डाइनिंग, यहाँ पे ओपन एरिया में अगर आप डाइनिंग चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप डाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, हम इस रेस्टोरेंट को टॉप क्वालिटी रेटिंग देते हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे शेफ्स बहुत अच्छे हैं, वेटर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हर तरीके की फैसिलिटीज को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है।
इसके बाद हम आपका एक साक्षात्कार करा रहे हैं इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट के ऑनर से, जो कि हमारे साथ अभी बन चुके हैं। आप अपना साक्षात्कार, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे कस्टमर्स को दीजिए, व्यूअर्स को दीजिए। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं शुभम सिंह, इंडियन चिलीज रेस्टोरेंट का ऑनर। जैसे कि आपने सब कुछ देख लिया है वीडियो में, हमारे यहाँ पे पार्टी हॉल है, रेस्टोरेंट है, ओपन टेरिस है, सब चीजों की फैसिलिटी यहाँ पे फुल सेटिस्फाई, कस्टमर पूरा सेटिस्फाई होके जाता है हमारे यहाँ से। रेस्टोरेंट में लगभग हमारे यहाँ पे 100 से 150 लोगों तक की सिटिंग है, जहाँ पे हमने 2 कैबिन भी बना रखे हैं। छोटी कैबिन के लिए हम इसमें ही दे देते हैं, जैसे लाइक किटी पार्टी, छोटी मोटी गेट टूगेदर है, वो सब हमारा छोटी कैबिन के लिए भी है। बड़ी पार्टियां होती हैं, जैसे रिंग सेरेमनी आपकी, या मैरिज का कोई फंक्शन है, कुछ भी ओकेजन है, बर्थडे पार्टी है, वो सब पार्टी हॉल में होता है। उससे ऊपर हमने ओपन टेरिस बना रखा है, वहां पे भी सारी पार्टियां होती हैं, अलग व्यू रहता है वहां का भी। आपको बाकी सब चीजें इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटी है रेस्टोरेंट में, स्विगी जोमेटो अराउंड 10 किलोमीटर तक सारी सर्विसेज आपको पूरा प्रोवाइड की जाती है। फुली एसी बना रखी है सारी चीजें, कस्टमर को फुल सेटिस्फिकेशन मिलता है यहाँ पे हर चीजों की, सारी बिल्कुल सब फैसिलिटी है। एक बार अगर आप हमें सेवा का मौका दोगे तो आप बिल्कुल रीजनेबल रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार जरूर आके देखिए, पूरा ऊपर भी फुली एसी है, उससे ऊपर भी सब कुछ है, रेस्टोरेंट भी पूरा सर्विसेज, हर तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। सब चीजों की सिक्योरिटी आपको प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर पार्किंग है, सीसीटीवी है अपने पास, कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई शिकायत का मौका नहीं देते हैं। इससे अलग भी हमारे पास और भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे फार्म हाउस है, 3 फार्म हाउस है, जिसमें पहला आपका केशव गार्डन है, वहां तो इस शहर में तो मोदीनगर में तो उससे बड़ा कोई है नहीं। केशव गार्डन की लोकेशन एक बार आपने दर्शकों को बताइए। केशव गार्डन आपका चौकी के बिल्कुल बराबर में है, जैन चिकन की रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल बराबर में केशव गार्डन है। उससे अलग आप राजचोपले पे आ जाएंगे, राजचोपले पे सीएमडी फार्म हाउस है, वो हमारे पास है। एक हम नया फार्म हाउस बनाने जा रहे हैं, अक्षत फार्म हाउस, वो भी कादराबाद में ही पड़ता है। एक नया रेस्टोरेंट का इनोग्रेशन करने वाले हैं, राज पैलेस, वो भी कादराबाद में ही है। तो ये मोदीनगर के एरिए के अंदर शिवम जी ने बताया कि 4 फार्म हाउस और ये रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, ये 2 रेस्टोरेंट है, ये सारी चीजें ये यहाँ पर फैसिलिटीज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की गैदरिंग पार्टी, कोई भी इनॉग्रेशन, शादी या सेलिब्रेशन आपको करना है, तो आप शिवम जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शिवम जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर जी बिल्कुल 999-776-1232। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 999-776-1232। कैसी भी फैसिलिटी हो, आप एक बार बिल्कुल सर्विस का मौका दीजिएगा, आप सब लोग बिल्कुल सेटिस्फाई होने जाओगे, मेरी अपनी गारंटी है। कोई शहर में रीजनेबल रेट मिलेंगे, और यहाँ पे छोटी से छोटी पार्टी करवा लो आप, हमसे बड़ी से बड़ी गेट टूगेदर करवा लो, कहीं से लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब शिवम जी का हमारे दर्शकों को ये बताइए, अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो बड़ी से बड़ी कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है किसी भी पार्टी? गैदरिंग सर हमारे पास तो केशव गार्डन है, वहाँ पे आप 2 से 3 हजार लोगों तक का फंक्शन करवा सकते हो। 2 से 3 हजार एक बड़ी बात है, भगवान इस शहर में तो इतना बड़ा फार्म हाउस है नहीं किसी के पास में, और इतनी ज्यादा गई नहीं, इतनी ज्यादा लाइटिंग कहीं पे भी नहीं है पूरे शहर में। दर्शकों वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, शिवम जी के जो 3 से 4 फार्म हाउस उन्होंने बताया वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीधे, हम आपको जो फार्म हाउस के ऑनर हैं शिवम जी उनसे ही आपको मिला रहे हैं। इसके अलावा शिवम जी मुझे बताइए कि जो टेरिस पे है वो वहां पे किस तरीके का टेरिस पे है, वहां पे कितने लोगों की डाइनिंग हो सकती है? डाइनिंग तो सर 70-80 गैदरिंग है, मगर वो बस अपना जैसे बर्थडे पार्टी है किसी की, रात में तो बहुत अच्छा व्यू आता है वहां का, पूरा सेपरेशन करके अपना लाइटिंग लगाकर या डीजे की लाइटिंग आती है। जी जी, ओपन टेरिस का तो सही होगा तो मजा ही अलग है, वहां पे पूरा डीजे लग के अपना बिल्कुल बहुत अच्छा गेटअप निकल के आता है रात में। काउंटर तो आपने देखे होंगे, एलईडी काउंटर लगे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बस अलग ही वहां का तो एक मतलब काम करने का अलग ही मजा है। यहाँ बैलून लग जाते हैं, नीचे आपका ग्रीनरी आ जाती है, कार्पेट आ जाते हैं, बिल्कुल। और यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे टेबल का सीटिंग अरेंजमेंट है, ग्राउंडेड एरिया जो आपने बनाया हुआ है, ये आपका सेपरेटेड एरिया है जो कि प्राइवेसी के लिए है, यहाँ पे 15-20 लोगों की गैदरिंग हो गई। जो क्राउडेड ओपन एरिया है आपका, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं? यहाँ पे तो 100 लोगों तक की सीटिंग है, 100 लोगों तक की सीटिंग ग्राउंड फ्लोर पे है, एक बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी के साथ है। इसके अलावा हमारे दर्शकों को कुछ और आप बताना चाहते हैं यूनिक फीचर रेस्टोरेंट का? हाँ, अपने पास जैसे टेक अवे भी है, स्विगी जोमेटो है,
बस हर तरीके की फैसिलिटी है, आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। तो जैसे हम कस्टमर की सर डिमांड के ऊपर काम करते हैं, अगर आप हमें कस्टमर बता दे कि सर मेरा ऐसे ऐसे काम होना है, ये होना है और ये करवाना है, आपको तो उस हिसाब से करवा देते हैं। हमारे पास तो इतने ज्यादा चीजें हैं कि कस्टमर जैसा चाहता है उसकी हर नीड को पूरा किया जाता है। देखिए दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे ये ध्यान देने वाली बात है जो शिवम जी ने कहा, बहुत बड़ी बात होती है, कस्टमर की नीड, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग गैदरिंग को प्लान किया जाता है, आपकी पार्टी के लिए प्लान किया जाता है। किसी के पास बड़ी बात कम गैदरिंग है, किसी का अपना भाई मेरे को 15-20 लोगों के लिए चाहिए मगर बढ़िया चाहिए और सारी फैसिलिटी चाहिए, सबसे अच्छा हमारे पास है। यहाँ पे समझ में नहीं आता, हम खुद अपनी कार में लेके जाते हैं कस्टमर्स को, दिखाते हैं, फार्म हाउस दिखाते हैं, अपना सब रेस्टोरेंटों में दिखाते हैं, हर चीज की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा जिसका बजट के अनुसार भी फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की भी है। साथ में उसकी अपना रेट के अकॉर्डिंग भी है जी, कि रेट में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टमर बस सबसे सस्ते में और सबसे बढ़िया में अपने पास करके जाएगा, रेट की भी फुल गारंटी है मेरी। रेट के लिए भी आप शिवम जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सीधे शिवम जी आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग प्लेसेस को यहाँ पे दिखाते हैं गैदरिंग के लिए। तो शिवम जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।